हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी एस स्पार्क में। और हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर के बारे में। तो करंट अफेयर में हम लोग देख रहे हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। पिछली क्लास हमारी हुई थी नोबेल पुरस्कार के बारे में, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन था क्वेश्चन के फॉर्म में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में जो डिफरेंट फील्ड में दिए जाते हैं। पिछली क्लास में हम लोग, मैंने बताया था किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं किस फील्ड में किस किस वैज्ञानिक को ये पुरस्कार मिले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में है। वो किस किस वैज्ञानिक को मिला है, वो आपको पहला मिला है आपको विलियम कैलिन, दूसरे हैं आपके ग्रेग सेमिंजा एंड तीसरे जो है वो पीटर रेडक्लिफ। ये तीनों ही वैज्ञानिक हैं जिन्हें आपका चिकित्सा के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार मिला है। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आपका सिर्फ इससे मतलब नहीं है, आपको किस चिकित्सा के क्षेत्र में आपको पुरस्कार किसको मिला है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आप वैज्ञानिकों का आपको नाम दे देंगे, प्लस ये पूछ लेंगे ये किस मूल से बिलोंग करते हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये भी देख लेते हैं। जो पीटर कैलिन जो है और ग्रेग सेमिंजा, वो दोनों वैज्ञानिक जो है वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। जो पीटर रेडक्लिफ है वो आपका ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा, पीटर रेडक्लिफ जो है वो आपका ब्रिटेन से बिलोंग करेंगे और विलियम कैलिन जो है वो आपका अमेरिका से बिलोंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि आपका जो विषय है वो क्या है, विषय जो है वो है कोशिकाओं में जीवन व ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता का अध्ययन। कोशिकाओं में जीवन व ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता का अध्ययन, ये आपका विषय था जिस विषय पर चिकित्सा विज्ञान में आपको नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी कि जो O2 का स्तर है वो किस लेवल पे आपके जो शरीर की कार्यकी है, यानी कि जो शारीरिक शरीर है उसकी क्रिया विधि प्लस आपका जो सेल्स मेटाबॉलिज्म है वो किस स्तर पे प्रभावित होता है आपके O2 के स्तर से। ठीक है, इसके लिए ना चिकित्सा विज्ञान का ये आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनकी जो खोज है इसकी वजह से आने वाले टाइम में आप कैंसर का ट्रीटमेंट, कैंसर प्लस अनीमिया और सेल्स से जनित जितनी भी बीमारी है उन सारी बीमारियों में ये खोज हेल्प कर सकती है। ये खोज जो है वो आने वाले टाइम में इन तीनों चीजों में आपका हेल्प कर सकती है। एनीमिया, कैंसर और सेल्स जनित बीमारी जितनी भी हैं, इन सारी बीमारियों में इनकी जो खोज है वो आपका हेल्प कर सकती है। ठीक है, इसके बाद है सेकेंड भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किस किस को मिला है। पहले आपके जेम्स पीबल्स हैं, दूसरे आपके माइकल मेयर हैं और तीसरे आपके डिडियर क्विलोज हैं। ठीक है, ये तो तीनों ही वैज्ञानिक हैं। तीनों वैज्ञानिक जो हैं वो अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। तो जो जेम्स पीबल्स जो हैं वो आपके कनाडाई मूल के हैं पर अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। और जो माइकल मेयर पर डिडिवर क्विलोज जो है वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पर जो जेम्स हैं वो उन्होंने सिंगली आपका एक विषय है जिसपे इन्हें भौतिक विज्ञान में पुरस्कार मिला है, वो है आपका ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोज के लिए जेम्स पीवन को ये नोबेल पुरस्कार मिला है। और माइकल मेयर और डिडिवर क्लेवेज को संयुक्त रूप से सौरमंडल से परे एक नए ग्रह की खोज के लिए ये नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये इनकी खोज थी। और अगर आप सौरमंडल की बात कर ले तो सौरमंडल का मतलब क्या होता है, सौरमंडल मतलब सूर्य के चारों ओर जो सामूहिक रूप से चीजें होती हैं उन्हें सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल से परे जाके नए ग्रह की खोज की है, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। वो ग्रह कौन सा है, वो 51 पेगासी बी जो ग्रह है उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। इस एक्स्ट्रा जो सौरमंडल से परे ग्रह की इन्होंने खोज की है उसके लिए इन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। और जो अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स पीबल्स हैं उन्हें ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोज के लिए मिला है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान में किस किस को मिला है, वो आपका जॉन बी गुडइनफ को मिला है, एम स्टेनली को मिला है और किरा योशिनो। जॉन बी गुडइनफ, एम स्टेनली और इसके बाद अकीरा योशिनो, इन तीनों को मिला है आपका रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। हमें
पिछले वाली क्लास में बता चुकी हूँ जॉन बी गुडनफ क्यों फेमस है, या जॉन बी गुडनफ पे एक क्वेश्चन क्यों बन रहा है। वो इसलिए बन रहा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा उम्र दराज वैज्ञानिक बन गए हैं नोबेल पुरस्कार में। सबसे ज्यादा उम्र दराज वैज्ञानिक बन गए हैं नोबेल पुरस्कार में। ये 97 ईयर ओल्ड है, 97 वर्ष के हैं ये, और ये सबसे उम्र दराज वैज्ञानिक है नोबेल पुरस्कार में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने संयुक्त रूप से लिथियम आयन बैटरी की खोज की है, लिथियम आयन बैटरी की खोज की है, लिथियम आयन बैटरी की खोज के लिए, इसके लिए ना रसायन विज्ञान का आपका नोबेल पुरस्कार मिला है। जैसे हम लोग पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं उसमें आपका लिथियम आयन की बैटरी ही यूज होती है। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक मतलब जैसे आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल वगैरह हो गया, इन सब की जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन से ही बनी होती है। जो हम लोग मोबाइल अभी यूज कर रहे हैं वो भी लिथियम आयन का ही बना हुआ है। इसी के लिए ना रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है इन वैज्ञानिकों को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं शांति पुरस्कार। ना शांति पुरस्कार में किसको मिला है नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में, तो वो है आपके एबे अहमद अली, जिन्हें आपका शांति का पुरस्कार मिला है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये कौन है? ये जो है वो आपके इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं, इथोपिया एक ऐसा देश है अफ्रीका का जो सबसे जिसकी सबसे ज्यादा घनी आबादी है, प्लस आपकी पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पूर्वी अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये आपका हो गया इथोपिया के बारे में। ठीक है, और इन्हें ये इथोपिया के लिए इथोपिया के पीएम को जो शांति नोबेल मिला है, ये मिला क्यों है शांति से ही पता चलता है कि कुछ शांति के लिए उन्होंने काम किया होगा, इसलिए इन्हें शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। कहीं ना कहीं शांति वार्ता या शांति कुछ भी इस तरीके का कुछ किया होगा जिससे शांति हुई होगी। तो वो विषय आपका जो है वो है इरिट्रिया जो है वो इथोपिया का आपका पड़ोसी देश है। ठीक है, इरिट्रिया जो है वो इथोपिया का पड़ोसी देश है, उसके साथ हम लोगों का संघर्ष चल रहा है, सीमा पे संघर्ष चल रहा है। उसके लिए ना इरिट्रिया सीमा संघर्ष में निर्णायक पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया है, यानी कि जो निर्णायक पहल थी उसमें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया है, इसके लिए इन्हें शांति का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग साहित्य का नोबेल पुरस्कार है इस वर्ष दो लोगों को दिया गया है। वो क्यों दिया गया है? क्योंकि 2018 में साहित्य का पुरस्कार नहीं दिया गया था, 2018 में साहित्य का पुरस्कार नहीं दिया गया था, इसलिए 2018 का भी इसी वर्ष दिया है, 2019 का तो दिया ही है। चलिए देखते हैं ओल्गा टोकाचुर्क जो है उन्हें 2018 के लिए ये साहित्य का पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद आपका साहित्य का पुरस्कार पीटर हैंडिका को दिया गया है 2019 का। ठीक है, 2019 का जो साहित्य का पुरस्कार दिया गया है वो पीटर हैंडिका को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ये ऑस्ट्रेलियाई नाटककार है। और इसके बाद जो ओल्गा जो है वो आपकी पोलैंड से बिलोंग करती हैं, जो ओल्गा टोकाचुर्क है वो पोलैंड से बिलोंग करती है, जो पीटर हैंडिका जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इन्हें साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया क्यों गया है, इनका विषय क्या है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से ही बनाएगा, पहला आपका नाम पूछ लेगा, दूसरा आपका विषय पूछ लेगा, तीसरा आपका उसका मूल पूछ लेगा कि वो किस मूल से बिलोंग करते हैं। ये तीन ही तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और प्लस आपका थोड़ा बस यही सारी चीजें आपको याद रखनी है सारी पुरस्कारों में। और इसका विषय हम लोग देख लेते हैं साहित्य के क्षेत्र में इन दोनों दोनों साहित्यकारों को जो मिला है। पहला जो है वो ओल्गा टोकाचुर्क को 2018 के लिए क्यों मिला है, वो जीवन से परे कथात्मक परिकल्पना हेतु। ठीक है, जीवन से परे एक कथात्मक परिकल्पना हेतु आपका टोकाचुर्क को ये साहित्य का पुरस्कार मिला है। आपका जो दूसरा पुरस्कार जो मिला है पीटर हैंडिका 2019 ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, उनको मिला है मानवीय अनुभव से परे जाके प्रभावशाली कार्य करने के लिए। मानवीय जो अनुभव है उनसे परे जाके प्रभावशाली कार्य करने के लिए इनको ये मिला है। और ओल्गा टोकाचुर्क को जीवन से परे कथात्मक परिकल्पना के लिए मिला है। ये सारे हमारे नोबेल पुरस्कार थे। बने रहिए हमारे YouTube चैनल जीसस पार्क पे। धन्यवाद।